welcome to my channel. Hope you all are doing great and healthy. So, अभी शाम के बज रहे होंगे 7 लगभग शायद से, और अभी घर पे मामा नहीं है, मम्मा नहीं है, मौसी नहीं है, मौसी जी नहीं है, क्योंकि ये सब मामा को छोड़ने गए हैं. अभी घर पे हैं तानी, मैं, निष्का जो कि अभी वीडियो बना रही है, नानी और चिकी दादा. तो हम उनके लिए बना रहे हैं मैगी, सिंपल मैगी बना रहे हैं. और यहाँ पे पानी जो है बॉयल हो चुका है, इचली जल्दी से बॉयल हो चुका है, इचली जल्दी से मैगी ऐड कर देते हैं इसमें. लंबी लंबी मैगी खाने वाले प्लीज़ अपनी आँख कुछ देर के लिए बंद कर दें, क्योंकि अभी मैं मैगी का वो हल करने जा रही हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा जो लंबी मैगी खाते हैं. तो यहाँ पे मैं 4 क्यूब मैगी बना रही हूँ, एंड मैं प्लेन मैगी बना रही हूँ क्योंकि सबने बोला प्लेन खानी है, बट मुझे खानी थी आलू प्याज वाली, बट अदरक ही सबको पसंद आया. तो यहाँ पर जो 8 क्यूब वाला पैक था वो हो चुका है खत्म. तानी इसको मत छुओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. तो तानी प्लीज इसको कुछ मत करना. हाँ, मैगी 1, 2. करते हैं मैगी बॉईल होके जो ऐसी लंबी लंबी हो जाती है ना सॉफ्ट, तक उसका वेट करते हैं. तो मैगी जब अभी सॉफ्ट हो जाएगी, मतलब कि बन जाएगी, जब मसाले ऐड करने जाऊंगी तब आपसे मिलती हूँ. इधर आओ. तो गाइस देखिए, थोड़ी थोड़ी हो चुकी है, गल चुकी है, मतलब कि थोड़ी सी और गल जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे मसाले. उससे पहले ऐड कर लेते हैं नमक. नमक आना चाहिए, थोड़ा सा पीछे हो जाओ. तो गाइस ये है नमक, और यहाँ पे मैं ऐड करने जा रही हूँ 1 टीस्पून ही मान लीजिए इसको, 1 टीस्पून नमक. हाँ जी ठीक है. ओके थोड़ा सा और ऐड करेंगे. हाँ अभी उसको डालेंगे, अभी उसको डालेंगे ना. हाँ गाइस यहाँ पर हमने नमक लिया है ऐड, एंड मुझे लगता है हमारी मैगी जो है वो पूरी तरह से पक चुकी है. अब हम मसाले ऐड कर लेते हैं. तानी दो मसाले. ओके तो मसाले हो चुके हैं ऐड, एंड टाइम फॉर मिक्सिंग. पानी देखो यहाँ पे ओवी बॉटल, या फिर बाहर देखो, बाहर ओवी रहा है तुम्हारी बॉटल. आओ दोनों टूटा नहीं था. फ्रेंड्स देख सकते हैं मेरी हालत, और यहाँ पे ना हम इसको पकड़ लेते हैं क्योंकि ये हो चुका है बहुत गर्म. क्या चीज़ पड़ी थी, एंड मेरे मसाला जो है ना वो भाप में सब गोला गोला हो गया. इधर आओ कैमरा मैन, इधर फोन लेकर आओ. इधर नीचे देखो, यहाँ पे मेरा मसाला जो है वो किस हालत में पहुँच चुका है. अब मुझे इसको ऐसे चम्मच से फूंकना पड़ेगा, लम्स बन गया मसाले के. गाइस मैं इतनी बुद्धू इंसान हूँ, मुझे चाकू से फाड़ने में डर लगता है, और जहाँ से मैंने पकड़ने वाला निकाला वहीं पे कैसी रखी हुई थी वो. मैं जो अंधी रहती हूँ मुझे वो दिखाई नहीं थी यार. इसको कैसे फोड़ू अब मैं, टूट ही गया है ऑलमोस्ट. अब जैसा जिसको जाए ठीक है भाई. तो फ्रेंड्स यहाँ पर बन चुकी है मैगी, हमारी मैगी जो है वो रेडी हो चुकी है मेरा मतलब. और यहाँ पे तानी लगी है मसाले के अंदर, जो थोड़ा बहुत मसाला बचा है उसको चाटने में. तानी मैम तो आपको कैसी वाली फीलिंग आ रही है, कैसी फीलिंग आ रही है तुमको मैगी मैगी मसाला खा के? अच्छा. मिर्ची लग रही है आपको? हाँ. तो पानी कहाँ है आपका? बाहर. तो
जाके पियो ना पानी, मिर्ची लग रही है तो। तो आप दूध लेके आएंगे जरूर और सफाई करके बाय। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं गाइस, यहाँ पे जो मेरी मैगी है वो हो चुकी है रेडी एंड हम गैस को ऑफ कर रहे हैं। गैस ऑफ हो चुकी है एंड अब मैगी को सर्व करेंगे प्लेट्स में। इनको मैगी वाले बाउल में दे दो दीदी येलो कलर में। ये टाइम फॉर सर्विंग। तो गाइस इट्स टाइम फॉर सर्विंग एंड मैं लेने जा रही हूँ मैगी को सर्व। आप में से कितने लोग नाइंसाफी करते हैं, अपने अपने प्लेट में ज्यादा मैगी डालते हैं दूसरों की प्लेट में कम, कमेंट में जरूर बताएं। एंड प्लीज बी ऑनेस्ट इन दिस टॉपिक, क्योंकि मैं ऐसी बेमानी बे क्या होता है बेमानी बेमानी करती हूँ। मुझे दानी हाथ चल जाएगा तुम्हारा, मुझे ज्यादा दे देना थोड़ा। हाँ दानी हटाओ हाथ, नहीं तो मैगी गिरी ना तो तुम्हारा हाथ का कल्याण हो जाएगा। मैंने इसमें बोला है कि मैं बेमानी करती हूँ थोड़ी सी, ये लो इसे ले लो, इसे ले लो, वो हुई है ना क्या मतलब किससे क्या कौन सी लो। अरे मतलब मैं स्पून दे रही हूँ, वो जो चम्मच में थोड़ी बहुत बची है उससे ले लो तुम, बिकॉज वो मेरी ही है। अरे यार बेमानी तो बहुत। ये देखो ये है यहाँ पे हमारे मैग्लीटर्स। प्लीज इस वीडियो को हिट लाइक करें जो मैगी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये देख सकते हैं आप कढ़ाई हो चुकी है पूरी खाली। अरे थोड़ा किसको ना मुझे फोक निकालने जी है फोक, मैं छोटे वाले से खाऊंगी, पानी को भी छोटा वाला नहीं दूंगी, उसके मुंह में घुस सकता है। मैं तानी को स्पून दे रही हूँ गाइस, या फिर ये वाला फोक दे देती हूँ उसे। और अनुष्का तुम फोक लोगी कि स्पून की छोटी वाली फोक? मैं फोक लूंगी। ये हो चुके हैं रेडी एंड चलिए अब मैगी बाहर दे देते हैं सबको। यार चिकी दादी की मैं थोड़ी सी और डाल देती, देखो ये तो मेरी है, मैं तो पहले अपनी ले ले रही हूँ, अलग कर देती हूँ वीडियो बनाते बनाते कौन ले ले पता ही ना चले। चलो मैगी लेकर आते हैं, नहीं देखकर आते नहीं चिकी दादी उसकी खाएगा। आओ चले ये जो कचरा है इसे फेंक देते हैं बिकॉज़। और गाइस ये सफाई भी करनी है अभी बिकॉज़ जारी मौसी इतना क्लीन करके रखती है अपना किचन और हम सब कबाड़ा कर देते हैं। तो ये जो कढ़ाई है यहाँ पर इसे पानी में भिगा देते हैं और हम कर लेते हैं थोड़ी इसमें थोड़ी दीदी कढ़ाई मत लगाना इस कपड़े को, टेबल पोछने का है। अरे इसमें थोड़ी नहीं, इसको तो भिगा के रख रही हूँ, बाहर रखना है। ओके आंटी आके धो देंगी, ये तो प्लेट ये प्लेट में पोछने के लिए है। इधर पे साइड टर्न में कर रहा हूँ तो इसे निष्का इसकी जगह पर रख दो नमक।
गाइस मैं आपको मैगी का वास्ता देती हूँ, जिनको मैगी सच में बहुत ज़्यादा पसंद है वो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। आप तो मैगी का वास्ता ही दे दिया है, मैं वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो चुका है वास्ता, क्या होता है वास्ता, क्या कसम मैगी की कसम। अच्छा मैगी की कसम। हाँ नानी बस ये प्लेटफॉर्म साफ कर रहे थे आ रहे। चलो ये है मेरी मैगी। ए वो मेरी है। चलिए चलिए अच्छा अब आपसे मिलती हूँ मैं मैगी खाने के बाद। मैंने मैगी खा ली है और आपको प्लेट दिखाऊं। साफ हो गई है, बस थोड़ा सा पानी कम हो गया था मेरी मैगी में। और अभी तो मुझे नहीं पता है मैं क्या करने वाली हूँ, तो अभी तो जाके सिर्फ बैठूँगी सोफे में, फ़ोन चलाऊँगी। और अगर जब कुछ ऐसा होता है कि कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं शॉप जा रहे हैं, यहाँ पे पास में एक A2Z करके शॉप है, अगर शायद वहाँ जा सकते हैं, अगर जाएंगे तो देखती हूँ आपको दिखाती हूँ। अभी तो फ़ोन चलाने वाली हूँ बैठ के। मैं काट रही हूँ बरबटी। बिकॉज मम्मा लोग आएंगी रात को 10 बजे के आसपास, तो खाना रेडी होना चाहिए। मुझे तो आती नहीं है सब्ज़ी बनानी, एंड नानी गिर गई थी तो उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो अब हम दोनों ही मिलके बनाएंगे, निष्का भी बनाएंगी खाना। तो चलिए बरबटी काट लेते हैं जल्दी से। बाद खाना बन रहा था और मोमोज़ के पहले मैगी भी खाई, तो मेरी डाइटिंग की तो धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। बट हाँ प्लीज़ आप मत छोड़ना डाइटिंग, बिकॉज मैं यहाँ से जब घर जाऊँगी तो फिर मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो आपने देखा कि कितना अच्छा गया आज हमारा, पूरी शाम कैसी गई। तो अगर आपको अच्छी लगी हो ये वाली वीडियो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस अपने चैनल में लाती रहूँगी, तो अगर आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अभी तो मैं वॉक कर रही हूँ सिंपली गाने सुनते सुनते, तो आपको तो मैंने सब बता दिया है, और आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मैं वॉक करती हूँ, और आप जो भी कर रहे हैं अपना काम वो करिए। बाय बाय, सी यू सून।